Hello everyone, a very good evening to you all. To all my viewers and to all my wonderful students. Guys, today's question is from constitutional law, right to freedom of religion. Religion, as you all know, that it forms a very integral part of each one's of our lives, each individual's life. You know, when we talk about religion is a very personal thing. And it has got a lot to do with every individual's lives, right? So the question today is before you, that is, right to freedom of religion cannot be restricted on the ground of four options are given below, meaning thereby कि जो right to freedom of religion है ये restrict हो सकता है. किस किस पे restrict हो सकता है ये सवाल नहीं है, किस पे रेस्ट्रिक्ट नहीं हो सकता है, मतलब कि इसके एक्सेप्शंस क्या क्या है. चार ऑप्शंस है: मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट. आई रिपीट कि चार ऑप्शंस है: मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट. माय डियर व्यूअर्स, द करेक्ट ऑप्शन इज सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. I tell you, let me explain it to you, that कि इस सवाल में पूछा क्या जा रहा है, पहले इसको समझते हैं. सवाल ये है कि right to freedom of religion जो article 25 से लेकर के 28 तक दिया गया है, 25 से लेकर के 28 तक freedom of religion के बारे में बात की गई है. article 25 में right to freedom of religion में आप प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं, ये तीन चीज़ों का अधिकार दिया गया है. अब सवाल ये है, इस क्वेश्चन में क्या इशू क्या है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को किस किस ग्राउंड पर रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, इन तीन ग्राउंड पर रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. इसके तीन एक्सेप्शन भी आप कर सकते हैं कि पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी और हेल्थ, इन तीनों के ग्राउंड पर आप राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, हटा सकते हैं, एक्सेप्शन है. अब इसी के उल्टा है कि इसको किसके ग्राउंड पर रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, जो कि मैंने पूछा था आपसे. तो इन तीनों के अलावा चौथा ऑप्शन क्या है आपका? सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट. तो वही आंसर होगा, क्योंकि एक अब सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के अलावा कुछ भी होता, मान लो सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट होता, डिसेंसी होता, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता, कुछ भी होता, तो वही आंसर होता. क्योंकि ए बी सी, दैट इज पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, ये तो आपके वो सारे पॉइंट्स दिए गए हैं आर्टिकल 25 में. आर्टिकल 25 क्लॉज 1 जैसे ही आप पढ़िएगा उसमें लिखा गया है कि पब्लिक सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, मतलब ये तीन एक्सेप्शन है, वहीं पे दे दिया गया कि ये तीन रेस्ट्रिक्शंस है, सब पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ. तो जब ये तीन एक्सेप्शन है तो चौथा जो कोई भी होगा, चाहे इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट था, कुछ और भी हो सकता है, जो कुछ भी होगा वही सही आंसर होगा. राइट, फिर से रिपीट करता हूँ कि आर्टिकल 25 बेसिकली टॉक्स अबाउट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वेयर इन यू हैव गॉट द राइट टू प्रोफेस, to practice and to propagate your religion, but subject to certain conditions, and those conditions are public order, morality and health. Thank you everyone. I think कि आपको सबको समझ में आ गया होगा इस concept को, और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें बताइएगा next video में. Right, thank you everyone for watching. जय हिंद, जय श्री राम.